नीम करोली बाबा के यहाँ जाने के लिए मैं 5 साल से विचार कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका बुलावा आएगा तो इस तरह से बुलावा आएगा, और मुझे अंदाज नहीं था कि आज बाबा ने उस पर कृपा की है। जय हो नीम करोली बाबा जी। क्या मुंबई से पुरोहित आए उनके, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो कोई और भगवान बैठ ही नहीं सकते, फिर क्या करें महाराज, की सिर्फ हनुमान जी बैठेंगे यहाँ, तो कहाँ 1 रुपया दे रहे थे पूरा मंदिर बनवा लिया ना यहाँ। ये अच्छा, मैंने कहा इतनी गंदी करके क्यों ले आए हैं आप? को मैंने अभी नीम कोहली महाराज जी का भी एड्रेस दे दिया है कैंची धाम का, और बता दिया है कि कैसे जाना है करके, और पूछा इन्होंने मुझसे, खुद ही पूछा। क्या बोलना चाहते हैं? नीम करोली बाबा के यहाँ जाने के लिए मैं 5 साल से विचार कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका बुलावा आएगा तो इस तरह से बुलावा आएगा, और मुझे अंदाज नहीं था कि आज बाबा ने मुझ पर कृपा की है। जय हो नीम करोली बाबा की। जय हो, जय हो। उनके धाम के विषय में, कैंची धाम के विषय में मुझे जो प्रेरणा दी और जो सुझाव दिए वो बहुत अच्छे लगे मुझे, और आपके विचार भी बहुत अच्छे लगे, और आपका समय भी लिया मैंने, इसलिए क्षमा याचना मांगता हूँ। बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं, करते रहिए। आशीर्वाद हनुमान जी महाराज का और हमारा भी। सीताराम महाराज। क्या चल रहा है ये? ये दाल बाटी। दाल बाटी। जय हो, जय हो, जय हो। कली बात कर रहे थे दाल बाटी की, और आज आपने बिल्कुल ऐसा कर देते ना आप लोग। सीताराम एमपी का। हाँ। दाल बाफले। हाँ। अच्छा, इसको बनाते बाटी जैसा, फिर उबाला जाता है। बाबा को भी सबसे ज्यादा भोगी दाल बाफले का ही लगता है। हाँ। यहाँ भंडारा दाल बाफले भी होता है। दाल बाफले का चलता है। अच्छा। हाँ। कौन सा आटा है? गेहूं का आटा रहता है। गेहूं और मक्के का। मक्के का थोड़ा मोटा रहता है। थोड़ा मोटा रहता है। अच्छा, टमाटर क्यों कट रहे हैं? दाल के लिए। आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय शर्मा। सीताराम। और ये क्या चल रहा है अभी बताओ ना, वो आपने वो पीला आटा कराया उसमें क्या क्या डाला हुआ है? उसमें भी यही डाला है, हल्दी और नमक, बस उसको गूंद दिया। और आटा किसका था? गेहूं का आटा, मक्के का आटा। गेहूं का और मकई का आटा। और ये क्या चल रहा है? ये इसमें नमक डाल रहे हैं। ये आटा कौन सा है? ये भी वही आटा है, थाली छोटी थी इसलिए। अच्छा। हाँ। ये अब दोबारा प्रक्रिया चलेगी। हाँ, ये रहेगा ना, पब्लिक आ जाए, दोस्त यार आ जाए, सब मंडली के लोग। हाँ। फोन लगा देंगे। हाँ। तो बाबा। हाँ। चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सीताराम, क्या नाम है आपका? मलखान सिंह। तो ये बेसिकली क्या है, ये चीज क्या है? चूल्हा है। चूल्हा। हाँ। चूल्हा क्या काम आएगा ये? ये चूल्हा क्या है कि दाल वगैरह बनाने में। हाँ। अच्छा। बाफले वगैरह उबालते हैं, सेक उस पे अपन उबाल लेते हैं पानी के अंदर। पहली बार मैं आज पहली बार देखूंगा इसे। चलो प्रक्रिया देखते हैं क्या है, बन रहा है कैसे बन रहा है। ये दोबारा आटा लग रहा है, इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या कैसे बनाते हैं। सीताराम। सीताराम। क्या नाम है आपका? राम यादव। राम यादव। दाल डाल दी मैं इसमें। बोल गई है दाल।
अभी वहाँ पर, यहाँ पर पार्टी तैयार हो गई है। और ये रही दाल, ये जीजा जी हैं और वो साले साहब हैं। तो अभी मैंने इनसे दो दिन पहले बोला, इनने कहा दाल बाटी खाई नहीं खाई। मैंने कहा दाल बाटी तो बहुत खाई है, लेकिन यहाँ पर बनाने का नहीं सौभाग्य हुआ। तो मैंने कहा, कहा था इनसे बस, इनने कहा चलिए ठीक है देखते हैं जैसा भी होगा प्रभु की, सब दादा गुरु की कृपा है। दाता गुरु अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जो छुपाई है आपकी हनुमान चालीसा की, और जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दाता गुरु और उसकी कृपा, और जय सीताराम प्रभु, जय श्री सीताराम प्रभु। आनंद जीवन, जीवन का आनंद तो एक नंबर ले रहे हैं हम। आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस पे कैसा जीवन का आनंद ले रहे हैं, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कैसी परिस्थितियाँ, कभी कैसी परिस्थितियाँ। और अभी हम प्रांगण में रुके हुए हैं, और अभी जो आयोजन चल रहा है दाल बाटी का चल रहा है, तो बनाने देते हैं इन्हें दाल बाटी, और लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि दाल बाटी हाउ इट लुक लाइक्स, दाल बाटी, दाल बाटी कैसी होती है। अब बाटियाँ, जो बाटियाँ इन्हें लोहिया डैम में बनाई थी, और ये बाटियाँ ऐसे करके यहाँ पर अंगार के ऊपर रख दी है, और ये हल्के हल्के सीख रही है यहाँ पर। तो ऐसे करके ये सब बैठेंगे यहाँ पर और इसको सीखते रहेंगे। यहाँ पर सीख रही है बाटियाँ, बोलते ना कि ये फट जाती है। वहाँ चल रहा है थोड़ा कि मंदिर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा करके वहाँ पर चल रहा है। दाल बन रही है और सब ऐसे लगी हुई है, सब भाई लोग हैं, सब एक ही फैमिली के हैं, सब एक ही कम्युनिटी के हैं, सब एक ही राम हिंदू सनातनी भाई हैं। ये हमारे मालवा का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी। इसको हमने कंडे पे बनाया है और इसमें घी में डाला, घी डालने के बाद इसको बारीक किया है, इसको दाल के साथ सर्व करेंगे। और यहाँ हमारे क्या दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में एक प्रोग्राम चलते रहते हैं, और अम्मास के दिन हम यहाँ बहुत बड़ा भंडारा करते हैं जिसमें बहुत से लोग आते हैं, और शाम को हमारे यहाँ भंडारा होता है और खाना खा के लोग यहाँ से शाम को 12-1 बजे तक हम भी चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ मंदिर, यहाँ एक फैक्ट्री बनाई गई थी उस टाइम पे, यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने 1 रुपये देने का बोला था मंदिर, मजदूरों ने बोला कि भई हम हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं तो हमें पैसे दीजिए, उन्होंने 1 रुपये का बोला। उन्होंने फिर यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया, तो यहाँ फिर उनके पुरोहित ने बोला कि यहाँ सिर्फ हनुमान जी बैठेंगे, दूसरे कोई भगवान नहीं बैठेंगे, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। तो जब से यहाँ चल रहा है, अभी पिछले करीब 5-1 साल से हमने भंडारा चालू किया है यहाँ, तो यहाँ ये सारा फिर हुआ है। ये महिमा है वो दोबारा जब उन्हें खोलना था तो, हाँ दोबारा से चालू हुआ। यहाँ ये गेटे मेटे यहाँ के सारे लोग निकाल गए थे, खिड़कियाँ निकाल गए थे यहाँ से, इनके ये सारे कांच वाँच ये सब निकाल गए थे लोग, उनकी भी खिड़कियाँ निकाल गए थे, पूरा खत्म हो गया। चोर भी इंसान है ना, चोर भी भगवान का, हाँ वो तो उन्हीं से लेके गया होगा। हाँ वो ये कुछ राम भक्त और यहाँ पर बनाई है आज दाल बाटी, ये बाटियाँ हैं और इसको क्या कहते हैं, ये बाटी है, ये बाटी, ये बाटी और इसका चूरमा है, इसको चूर के इसमें घी घी डाल के, अच्छा घी डाला इसमें, ये बाटी है, इसको चूरा गया। और वो है, और ये अरहर की दाल है, ये दाल है। मंगलवार के दिन फिर मैं आया तो वो खिड़की वहीं पड़ी थी, फिर वो खिड़की मैंने वहाँ लगाई जैसे तैसे। तो यहाँ के तो चमत्कार तो हैं। मैंने जब है ना जो भंडारा चालू किया था ना, तो राजेश भैया और हम दोनों मिले, मैंने बोला कि राजेश भैया क्या करें, यहाँ लोगों को आना जरूरी है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला फिर क्या बोला भैया क्या करें, मैंने बोला एक काम करते हैं भंडारा चालू करते हैं यहाँ। तो हमने छोटे से स्तर से भंडारा चालू किया था। अब अम्मा उसके दिन आज हमारे यहाँ 1000 लोग तो आ ही जाते हैं अपने यहाँ,
हजारों लोग हमारे यहाँ हर अम्मास के दिन भंडारा होता है हमारे यहाँ। उस भंडारे ने बड़ा रूप ले लिया है। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि और बहुत अच्छा हो। चल रही है, भागवत जी भी करवा चुके हैं, तीन बार भागवत जी भी हो चुकी है और समय समय पर कार्य होते रहते हैं। वो जो आपको साइन बना हुआ है ना वेंकटेश्वर स्वामी, नारायण का, तो वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर था वो, क्या उनको ज़्यादा ये करते थे, उन्होंने मंदिर उनके लिए बनाया था। जब उनके पुरोहित को लेकर आए ना वो, तो पुरोहित सब दूर घूमे, मुंबई से पुरोहित आए उनके, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो कोई और भगवान बैठ ही नहीं सकते, फिर क्या करें महाराज, कि सिर्फ हनुमान जी बैठेंगे यहाँ। तो कहाँ, एक रुपया दे रहे थे पूरा मंदिर बनवा लिया ना यहाँ, और वो विराजमान हो गए। हाँ, उनकी महिमा थी, पूरा जगह ही उनका है भाई। यहाँ क्या, पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने एक पत्थर लगा के बोल दिया था कि भाई हनुमान जी हैं ये, और भाई साहब से पैसे लें अपन कि भाई साहब हम मंदिर बनाएंगे, तो साहब ने पैसे नहीं दिए कि भाई हम तो हमारी मेहनत का एक रुपया देंगे, पूरा मंदिर बना लिया। श्री सीताराम महाराज की जय हो। प्रभु ग्रहण करो, प्रभु ग्रहण करो, वो ग्रहण करो। श्री सीताराम महाराज, शालिग्राम महाराज की जय हो। प्रभु वही प्रसाद सबको बढ़ जाएगा वहाँ पर, सब एक साथ मिला देंगे प्रसाद को। तो सीताराम कर लेते हैं, सब यहाँ पर बैठ गए हैं, छोटे बच्चे सब कोई हर कोई बैठ है। रामसन, ये राम यादव, हु इज राम यादव, इज ही हियर, इज ही हियर, क्या वो यहाँ पर है? कैसा हो रहा, टेस्टी है? यस यस हो आप? यस, नाम क्या है? माय नेम इज खुश यादव। खुश, इंडिया में रहते हो? कहाँ रहते हो? इंडिया में। तो इंडिया में बात करो ना, भारतीय हो ये? इंडियन हो? इंडियन। भारतीय, भारतीय हो या इंडियन हो? इंडियन। भारतीय नहीं हूँ, भारतीय नहीं हूँ। बोलना चाहते हैं आप कुछ? सीताराम, श्री सीताराम महाराज की जय हो। अच्छा कर रहे हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं जो। श्री सीताराम।